नमस्कार मंडली, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने भारत देश के सबसे चिलिंग प्लेस पे गोवा में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गोवा में सबसे बजटेड में कैसे आ सकते हो, यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहले जानते हैं कि हम गोवा में कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेन ट्रैवल। दोस्तों, गोवा में 4 रेलवे स्टेशन है जहाँ पे अलग अलग स्टेट से ट्रेन आती है। फर्स्ट है मडगांव रेलवे स्टेशन, सेकेंड है थिवीम रेलवे स्टेशन, थर्ड है करमाली रेलवे स्टेशन और फोर्थ है वास्को द गामा रेलवे स्टेशन। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके शहर से इन 4 रेलवे स्टेशन में से कौन से स्टेशन तक ट्रेन आती है। अब सेकेंड ट्रैवल मोड है एयर ट्रैवल। तो गोवा में टोटल 2 एयरपोर्ट है। फर्स्ट है डम्बोलिम एयरपोर्ट जो कि गोवा के साउथ साइड में आता है, और सेकेंड है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा साइड में आता है। बात करते हैं थर्ड ट्रैवल मोड की, जिसमें आप ट्रैवल करोगे बस से। गोवा तक कई सारे नजदीकी स्टेट से वोल्वो बसेस आती है, तो ये एक ऑप्शन है अगर आपको ट्रेन टिकट्स नहीं मिलती है या फिर फ्लाइट टिकट्स के प्राइस काफी ज्यादा हाई होते हैं। और जब आप इनमें से कोई भी एक ट्रैवल मोड यूज करके गोवा में पहुंच जाते हो तो वहां से होटल के लिए आप प्राइवेट व्हीकल बुक कर लेना, जो कि आप होटल से डायरेक्ट बुक कर सकते हो, या फिर अगर आपका प्लान प्री बुक है तो आप अपने ट्रैवल प्लानर से ये बुक कर लेना। इस वीडियो में हमने आपके लिए बजटेड से लेके लग्जरी तक के 4 होटल्स की डिटेल बनाई हुई है जो कि आपके स्टे को कंफर्टेबल कर देगी। और ये इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसकी गारंटी है। ये है एलोर हॉलीडेज रिसोर्ट। दोस्तों, ये होटल में आपको रूम 2200 में 2 लोगों के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको रूम के साथ ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। इस होटल में स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी है, स्विमिंग पूल के साइड में ही रेस्टोरेंट है। और दोस्तों, इस होटल के हर एक रूम में आपको बालकनी मिल जाएगी। सेकेंड होटल है कलंगुट ग्रैंड। ये होटल बीच से सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट के डिस्टेंस पे है, वो भी वॉकिंग। इस होटल में भी स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, पार्किंग के साथ और कई सारे फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे। थर्ड होटल है होटल फ्लोरा रेसिडेंसी जो कि बीच से सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये होटल में भी आपको सारे फैसिलिटीज मिल जाएंगे। और एक बात बताता हूँ, इस होटल के रूम्स काफी बढ़िया है। फोर्थ होटल है होटल सोमाय रिसोर्ट। ये होटल लग्जरी कैटेगरी में आता है। इसके स्विमिंग पूल की साइज काफी ज्यादा बड़ी है और रेस्टोरेंट भी काफी बढ़िया है। इस होटल में स्पा फैसिलिटी भी है। यहाँ पे 2 टाइप्स के रूम कैटेगरी है। दोस्तों, इन तीनों होटल्स की प्राइस जाननी है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इनकी प्राइस डेट वाइज अलग अलग होती है। दोस्तों, साइट सीन करने के लिए आप यूज कर सकते हो प्राइवेट व्हीकल, और कुछ होटल्स हैं जो कि अपने खुद के ट्रैवलर से भी साइट सीन करवाते हैं जो कि एकदम कम से कम प्राइस में होते हैं। या फिर आप जैसा ही जानते ही हो कि गोवा में बाइक रेंट पे मिलती है, तो आप बाइक भी रेंट कर सकते हो जिसकी प्राइस शुरू होगी 400 रुपये से। आपको पूरे दिन में लगभग 2 लीटर का पेट्रोल लगेगा और पार्किंग आप जहाँ जहाँ पे रुकोगे वहाँ पे पार्किंग आपको देनी होगी जो कि मिनिमम 30 रुपीज से स्टार्ट होती है। अब मैं आपको गोवा के मस्ट विजिट प्लेसेस के नाम बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक बढ़िया चीज बताऊंगा, वो है क्रूज पार्टी के बारे में। दोस्तों, ये क्रूज अफोर्डेबल प्राइस में है। इस क्रूज में आपको मिलेगा लाइव डीजे, फन गेम एंड स्पॉट प्राइजेस, बॉलीवुड म्यूजिक, ड्रिंक में हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलेगी, स्टार्टर होगा, वेज एंड नॉन वेज डिनर भी इंक्लूड होगा। इस क्रूज का स्टार्ट टाइम होगा 8 PM से। इस क्रूज का नाम है ओहाना फैमिली पार्टी क्रूज। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ गोवा में विजिट करने वाले प्लेसेस के नाम पे। फोर्ट अगोडा, सैलेगुआ चर्च, स्नो पार्क, अंजुना, वैगेटोर, कलंगुट, बागा बीच। साउथ गोवा में आप विजिट करोगे सेंट अगस्टिन टावर, ओल्ड गोवा चर्च, मंगेशी टेम्पल, बोट क्रूज। दोस्तों, ये वाली बोट क्रूज अलग है। अगर आप ओहाना क्रूज राइड नहीं कर रहे हो तो आप ये वाली बोट क्रूज कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गोवा टूर के लिए लगने वाली सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल के बाकी वीडियो भी अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रैवल प्लेस के साथ।